क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4096। हमें वो अमाउंट निकालना है जो कि राम को मिला किसके ऊपर, 4096 रुपीज़ में, यानी कि 4096 रुपीज़ में उसे कितना अमाउंट उसे मिला इफ़ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स। अगर उसने कितने कितने मंथ्स के लिए दिया, उसे 18 मंथ्स के लिए दिया एट द 12.2% पर एनम, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ अर्ली। ठीक है, हाफ अर्ली दे रखा है, ठीक है, और ये क्या चीज़ दे रखी है, 18 मंथ दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है 12.1%। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ओके, प्रिंसिपल हमें पता है कितना है, 4096 रुपीज़, राइट। टाइम हमें पता है कितना मंथ है भैया, 18 मंथ है, और एक साल में कितना होता है, 12 मंथ होता है, यानी कि 12 + 6 तो 1 ईयर हो गया, और कितना हो गया, 6 मंथ और हो गया, यानी कि 6 मंथ का मतलब क्या हो गया, 6 / 12 यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 ईयर, करेक्ट। और हमें परसेंटेज कितना दे रखा है भाई, रेट सही दे रखा है 12.1% यानी कि कितना हो गया, 25/2। अब एक चीज़ और, क्या बोला इसने, हाफ अर्ली बोला, तो जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, टाइम दे रखा है हमें कितना, 3/2 हो जो है, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 3/2, और 3/2 में 2 की मल्टीप्लाई किया तो 3 ईयर्स आ गया, राइट। और रेट कितना दे रखा है, 25/2। अब 25/2 को हमने क्या करा, 2 से और डिवाइड करा तो कितना आ गया, 25/4, 2 से और हमने इसको डिवाइड किया, राइट, क्योंकि यही तो होता है कंपाउंडेड हाफ अर्ली होता है, तो रेट में आधा हो जाता है और टाइम का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो ये कितना हो गया, परसेंटेज हो गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, टाइम दे दिया, रेट दे दिया, और हमें कितना पता है, प्रिंसिपल पता है, तो हम क्या निकाल देंगे, इसका अमाउंट निकाल देते हैं। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r / 100 / n। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, पी की वैल्यू दे रखी है 4096, 1 + कितना दे रखा है, 25/4, 25/4 का मतलब क्या होगा, 400, और टाइम कितना दे रखा है, 3 ईयर्स, राइट। ये इससे कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 4096, और ये कितना हो जाएगा, 17/16³। ठीक है, यानी कि अमाउंट इज इक्वल्स टू 4096 × 17/16 × 17/16 × 17/16 का क्यूब होता है ये पूरा का पूरा, और फिर 17 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4913 रुपीज़, राइट। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट आ जाएगा, किसका अमाउंट आ जाएगा, जो कि रमा को मिलेंगे, राम को या रमा को, राम है शायद, राम को कितना अमाउंट मिलेगा, 4913 रुपीज़ उसे मिलेंगे, किस पर, 4096 पर। ठीक है, कितना इसका इंटरेस्ट था, इसका इंटरेस्ट आया था 25/2%, लेकिन जब क्या क्या दे रखा था, कंपाउंडेड हाफ अर्ली था, तो इस वजह से इसका जो रेट हो गया वो कितना हो गया, 25/4, और टाइम कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स, 18 मंथ को क्या बोलेंगे, 1 ईयर, और 6 मंथ, और 6 मंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/12, यानी कि 1/2, यानी कि कितने ईयर्स हो गए, 3 ईयर्स हो गए। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4913 रुपीज़ रमा को, राम को मिलेंगे। ओके।